लोकसभा चुनाव के चलते टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर थाना प्रभारियों के द्वारा एमपी यूपी सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रदीप सिंह राणावत एसडीओपी जतारा द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ रानीपुरा उपरारा तिगेला पहुंचकर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास जैसे मामलों में आदतन अपराधी उत्तर प्रदेश का वांटेड आरोपी लेखराज सिंह यादव पुत्र मजबूत सिंह यादव निवासी सिरधरपुरा थाना मऊ रानीपुरा जिला झांसी उत्तर प्रदेश पहचानते ही पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सफलता आज हमको मिली है, लेखराज यादव करके हैं, लेखराज यादव पिता मजबूत सिंह यादव निवासी हरकनपुरा, अभी रानीपुर में रह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे एसपी साहब श्री अनुराग सुजनिया का खास तौर से इस तरफ अटेंशन था कि ये आरोपी चूंकि यूपी में झांसी में चुनाव हो गए 29 तारीख को और हमारे यहाँ चुनाव 6 तारीख को है 6 मई को, तो निश्चित रूप से ये यहाँ के आके चुनाव को हमारे डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अपराधी है। इसके विरुद्ध कुल 70 अपराध अभी पेंडिंग है, 70 अपराध चल रहे हैं जिसमें 60 अपराध इसके यूपी पुलिस में है और 10 अपराध हमारे एमपी पुलिस में पेंडिंग है। आज इसको चेकिंग के दौरान हमने हमारे चंदेरा के थाना प्रभारी प्रदीप सर्राफ, मेरे साथ का फोर्स हेडले दीक्षित दारा सिंह, इन लोगों के साथ हमने इसको वहाँ से पकड़ा है। यूपी पुलिस के द्वारा एक कैरियर प्राप्त हुई है हमको जिसमें इसके विरुद्ध एक अपराध बता रहे हैं जिसमें ये वांछित है, अभी वांटेड है, इसमें 70/19 अपराध क्रमांक है, धारा 141, 148, 323, 504 और SC/ST एक्ट में इसको इसकी ज़रूरत है वहाँ पर, तो इसको हम लोग अपनी रिकॉर्ड में लेकर वहाँ पर सौंप रहे हैं यूपी पुलिस को, मऊ रानी पुलिस को, उनके CO साहब उनका फोर्स